आखिरकार आज वह दिन आ ही गया जिसको लेकर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता अपनी नई कार्यप्रणाली को आज सुचारू रूप से मतदान देकर गाजियाबाद कचहरी को एक नया अध्यक्ष, नया सचिव, नया कोषाध्यक्ष व अन्य पदों पर विजयी बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। कोरोना वायरस के बीच चुनावों को लेकर वकीलों में खासा उत्साह है। सारे प्रत्याशी अपने अपने साथियों के साथ सुबह ही जुट गए हैं। कोरोना वायरस के चलते एसोसिएशन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिना मास्क वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। जगह जगह पर रखे गए इसके अलावा शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए कहा गया है कि प्रत्याशी जीत हार का गुणा भाग करने में लगे हुए हैं। जीत का सहरा किस किस के सर पर बनेगा ये तो आने वाला आज ही बताएगा। सन 2021 के इस बार एसोसिएशन चुनाव के बारे में कोरोना संक्रमण काल में हो रहे हैं, ऐसे में अधिवक्ताओं द्वारा किए जाने वाले मतदान के नियम भी बदल गए हैं। चुनाव अधिकारी एवं सचिव ने बताया कि बार एसोसिएशन के चुनाव इस बार नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोई भी अधिवक्ता बिना मास्क के इस बार अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार नई कार्यप्रणाली के लिए 2,210 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज शनिवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं अधिवक्ता अपने जोर शोर से अपने अपने प्रत्याशी को वोट देने में लगे हुए हैं। वहीं प्राइम एटी न्यूज की टीम ने पूरी कचहरी के इस बार एसोसिएशन चुनाव की कवरेज की है। आप भी सबसे पहले देखिए बार एसोसिएशन के चुनाव में किस तरह का माहौल है। गाजियाबाद से दिलचाद और राहिल के साथ अफशार उलक की खास रिपोर्ट। Okay.